Good morning, student. Today we are going to learn the another simplest topic called subject verb agreement. Now let's take the words, the heading by itself. Subject. What is the subject? The first word of your sentence is called subject. Verb, everyone knows. What is verb? Verb is any activity or action. It indicates verb. Agreement, you already know, a conclusion. So whenever there is a agreement, okay, there is agreement between subject and verb, it is called subject verb agreement. Suppose अगर हमारा जो subject है, ठीक है, single है, तो उसके साथ क्या लगाना है, हमेशा verb की first form plus s लगाना है present tense के अंदर. अगर हमारा plural है, ठीक है, तो verb की कौन सी form लगेगी, सिर्फ first form लगती है. तो एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो डिसाइड करता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसा वर्ब बना है. अगर सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगता है. अगर प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगती है, एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता. दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. अगर आप दो आदमी के बारे में बात करें, ठीक है, और एंड लगा है, तो आपने हमेशा प्लूरल फॉर्म का वर्ब लगाना है. So, Ruchi and Shweta are good friends. फिर एग्जाम्पल आता है, अगर एक ही आदमी को दो चीजें इंडिकेट कर दी हो, मैथ्स एंड टीचर, साइंस टीचर डैश मैथ्स, तो हमने लगाया है क्या, इज लगाया हुआ है. ठीक है, जब हम इज लगाया हुआ है तो ये दोनों सेम पर्सन क्या है, एक ही है ना, एक ही टीचर है, मैथ्स और साइंस का टीचर क्या है, एक ही है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हमारा वर्ब क्या आना है, अगर वो सही है वो एग्री करना चाहिए. ठीक है, फिर हमारे पास एक और कैटेगरी है, ईच एंड एवरी. तो व्हेनेवर देयर इज ईच एंड एवरी, ऑलवेज यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. सो ईच बॉय एंड गर्ल इज स्मार्ट, और दूसरे एवरी वन शुड लर्न इंग्लिश, ओके, बिकॉज ऑफ एवरीवन एंड ऑल. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड. वी विल कंटिन्यू विद द अनदर एग्जांपल्स इन कमिंग डेज. होप यू अंडरस्टूड द वीडियो.